वैसे तो आपको पत्रक मिल गया है, उसमें थोड़ी जानकारी है। थोड़ा मैं और बता देता हूँ। तो विनोबा जी जो है, ये गांधी जी के पास में आए थे उनके यंग एज में, 21 1916। और उसके बाद गांधी जी का जो साबरमती में आश्रम था, उसमें उनके साथ रहते थे। गांधी विनोबा जी ये बचपन से ही बहुत बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति माने जाते थे। एज ए स्टूडेंट भी वो बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि आज का जो एजुकेशन है, ये बहुत जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, लाभदायी नहीं है। इसलिए वो स्कूल कॉलेज छोड़ करके भाग गए और काशी पहुँचे, वाराणसी, कि थोड़ा वहाँ संस्कृत का अध्ययन करेंगे और फिर शांति की खोज में, आत्मज्ञान की खोज में हिमालय जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। और दूसरी उनकी इच्छा थी कि जो बंगाल में क्रांति की बात चल रही है, तब तो अंग्रेजों का राज था, इसलिए क्रांति की बात चल रही है, तो उसका भी आकर्षण था। इसलिए बनारस में वो रहे। वहाँ गांधी जी का एक भाषण की चर्चा उन्होंने सुनी और गांधी जी से पत्र व्यवहार किया, कॉरेस्पॉन्ड। अब फिर गांधी जी ने उनको कहा, आप आश्रम में आइए, मैं वहाँ हम बात करेंगे। और तब से विनोबा जी 1916 में गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हिमालय की शांति और बंगाल की क्रांति दोनों मुझे गांधी जी के पास मिल गए। फिर 1921 में गांधी जी ने विनोबा जी को वर्धा भेजा, वर्धा में आश्रम की ब्रांच शुरू करने के लिए। तो 1921 से वर्धा विनोबा जी का हेडक्वार्टर हो गया। यहाँ पर जमनालाल जी बजाज रहते थे, गांधी जी के वो पांचवे पुत्र माने जाते थे, गांधी जी उनको अपना पुत्र मानते हैं। उनके आग्रह से विनोबा जी यहाँ पर आए और तब से वर्धा उनका हेडक्वार्टर रहा। इस बीच में वो 4 बार तो जेल में जाना पड़ा सत्याग्रह के करने के बाद। और 1948 में गांधी जी के जाने के बाद, मृत्यु के बाद, उन्होंने फिर आश्रम से बाहर जाके काम करना शुरू किया। उसके पहले वो आश्रम में ही रहते थे, बाहर ज़्यादा जाते नहीं थे। उन्होंने बहुत से आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे हैं और गांधी जी भी उनको शास्त्रों के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में प्रमाण मानते थे। और जो विनोबा जी कह देते, लास्ट वर्ड, ऐसा वो मानते थे। और विनोबा जी भी सब धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया था, कुरान शरीफ का 30 40 साल अध्ययन किया, बाइबल का उन्होंने 40 साल अध्ययन किया, उसके लिए उन्होंने थोड़ा हिब्रू का भी अध्ययन किया, ग्रीक पढ़ा, लैटिन का अभ्यास किया, स्कूल में फ्रेंच उनकी सेकंड लैंग्वेज थी, उसके बाद में जर्मन का अध्ययन किया। और दुनिया के सब भाषाओं का, जो मुख्य भाषाएं हैं, उत्तम साहित्य भी उन्होंने पढ़ा। आफ्टर एज ऑफ 80 उन्होंने चाइनीज और जापानीज भाषा भी सीखी। और हिंदुस्तान की जो 18 प्रिंसिपल लैंग्वेजेस, वो सब जानते थे। इस तरह से 24 लैंग्वेजेस से ज़्यादा उनको आती थी। इसके अलावा ये कुरान शरीफ का अध्ययन किया, तो ओरिजिनल कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेशन से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो अरबी भी सीखा, फारसी भी सीखा,
उर्दू उनको आता था। इस तरह से धर्म ग्रंथों का अध्ययन उनकी मूल भाषा में किया और उसका एसेंस कार निकाला, उसके ग्रंथ भी प्रकाशित हुए। तो विनोबा जी एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट भी थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, गणित उनका बहुत उत्तम विषय था। इसके अलावा दुनिया के सब स्क्रिप्चर्स का उत्तम ज्ञान था। और ये केवल विद्वान नहीं थे, ये सब ज्ञान होने के साथ उनकी साधना थी। और ऐसा माना मानते हैं, गांधी जी भी मानते थे और भी दुनिया में, कि एक जिसको कहते हैं कि इंद्रियों के उस पार का जो दर्शन है, जो सेंट या सेजेस को होता है, वो भी उनका था। तो ऐसे जो दुनिया के विविध विषयों के भी विद्वान और इस दुनिया के उस पार का भी जो दर्शन है, उसका भी जिनको अनुभव था, ऐसे उनके उन्होंने बहुत ग्रंथ भी लिखे, बहुत भाषाओं में भी लिखा। उसके बाद दुनिया का उनका दुनिया का ध्यान उनके तरफ ले गया, वो दूसरे एक काम से गए। अभी तो इतना वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जमीन का प्रॉब्लम, लैंड इशू सबसे बड़ा था यहाँ पर। और करोड़ों लोग, मिलियंस एंड मिलियंस, वो जो है लैंडलेस लेबरर्स थे, तो उनको काम मिलता नहीं था। और उसी समय में चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ था, मिलियंस एंड मिलियंस जो लैंडलॉर्ड्स थे, लेबर मर्डर्ड, उनको मारा। और उसके बाद में वो ज़मीन बांटने की कोशिश की, तो उसका रिपीटेशन यहाँ हिंदुस्तान में भी शुरू हुआ था, स्पेशली नियर हैदराबाद, वहाँ तेलंगाना एरिया में। तो फिर विनोबा जी वहाँ से पैदल घूमे और वहाँ उनको सूझा, और गरीबों के लिए लैंड एज ए डोनेशन, एज ए गिफ्ट उन्होंने मांगना शुरू किया। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा झगड़े जो है ये लैंड के ओनरशिप को लेके, लैंड को लेकर के। जैसे तो इंटरनेशनल भी हम जानते हैं कि लैंड को लेकर के झगड़े होते हैं, आपको तो बहुत सहन करना पड़ता है इसराइल में। मैंने शुरू से, मुझे इंटरेस्ट का विषय रहा तो इसराइल के बारे में काफ़ी पढ़ा, और जब नया नया वहाँ शुरू हुआ था, बेन गुरियम वगैरह आए थे और उनके भी सब जो किताबें वो मैंने पढ़ी थी, देखी, वहाँ के जो किबुत्स का प्रयोग हुआ था, तो हमारे लोग कई मित्र लोग वहाँ गए थे किबुत्स का अध्ययन करने के लिए, वहाँ रहे भी थे वो भी। खैर, आज भी हमारे कुछ मित्र जो हैं वो वहाँ से संबंध रखते हैं, जाते हैं। ये ड्रिप इरिगेशन उसका जो काम चलता है, तो उसका ट्रेनिंग भी उन्होंने इसराइल जा करके लिया। तो विनोबा जी ऐसे गांव-गांव में फिर घूमने लगे, क्योंकि हर एक गांव में लैंडलेस लेबरर्स थे, उनको कोई काम नहीं था। 5-6 महीना काम मिलता था, और 5-7 महीना ये जो पेड़ है उसकी पत्ती जो होती है, लीव्स, इधर उधर से ट्रीज की लीव्स तोड़ के खा करके सर्वाइव, ऐसा उनका जीना चल रहा है। तो विनोबा जी की अपील पर एक गांव के लोगों ने दान दिया, दूसरे गांव में दान मिला, गरीबों के लिए दान। इसके पहले लैंड गिफ्ट हुई है, पर वो मंदिर के लिए, मठ के लिए, टेम्पल, स्कूल, हॉस्पिटल्स, उनके लिए दान मिलता रहा, पर फॉर द पुअर पीपल ऐसा कभी हुआ नहीं। तो उसको लेकर विनोबा जी सारा हिंदुस्तान में पैदल घूमे। ही वॉक थ्रू ऑल इंडिया अबाउट 13 ईयर्स ऑन फुट, अबाउट 70,000 किलोमीटर, आस्किंग ये दान, भूमि का दान। तो ही रिसीव मोर देन 2 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड एज ए डोनेशन, और फिर उन्होंने उसको 12 लैक्स, 1.2 मिलियन फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट किया। सो विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 50-60 लैक्स पीपल, दैट इज 5-6 मिलियन पीपल, गॉट देयर लाइवलीहुड थ्रू दिस लैंड गिफ्ट मिशन। दैट इज, लोगों ने दान दिया, उन्होंने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया
your people are in the presence of all the people of the village. ऐसा नहीं कि किसी को दे दिया एप्लीकेशन वगैरह, ऐसा कुछ इन फ्रंट ऑफ ऑल. तो इस तरह से उनका काम काफ़ी साल चला. एंड लास्ट 12 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम 1970 to 82 ही लिव्ड इन दिस रूम. यू हैव सीन दिस रूम, ये दिखा दिया ना, दिस रूम फॉर 12 ईयर्स कंप्लीट. तो इस तरह से उन्होंने रहा इन हिज दैट इज लैंड गिफ्ट मिशन यात्रा. हम उसको भूदान कहते, भू यानी जमीन, दान यानी डोनेशन. तो भूदान गिफ्ट मिशन. तो उस समय जब विनोबा जी हिंदुस्तान में घूमते थे, बहुत से जवान लड़के लड़कियां सब अपने कॉलेजेस कैरियर छोड़ करके इस काम में शामिल हुए. क्योंकि विनोबा जी को करीब फ्रॉम अबाउट 1 लाख दैट इज 100,000 विलेजेस में से डोनेशन मिला. तो विनोबा जी तो अकेले नहीं जा सकते थे सब जगह. तो ऐसे ये जो यंग पीपल वगैरह जो है तो बहुत आए, दुनिया भर से लोग आए वहाँ और उसमें ज्वाइन हुए. मैं भी उनके साथ में था. तो एट द एज ऑफ 13 था ज्वाइन, वहाँ पर उनके साथ रह गया. सो नाउ 60 ईयर्स आई एम हियर इन दिस वर्क. तो उधर क्या हुआ कि उसमें बहुत से जो बहनें लेडीज गर्ल्स एंड वीमेन आए, तो विनोबा जी उनको कहते थे ऑन स्पिरिचुअल बेसिस पर आपको सब काम करना चाहिए और स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करना, ब्रह्मचारी रहना. ब्रह्मचारी तो आप समझे सेलिब्रिटी, इस तरह से सब बहनों को अधिकार है. तो उनको ये सब करना तो कहाँ करना. तो विनोबा जी ने कहा मैं पदयात्रा में हूँ, आश्रम खाली है, आप जाइए. सो फ्रॉम लास्ट 52 ईयर्स ये आश्रम बहने चला दी. हम दो चार भाई थे जो पहले से रहते थे यहाँ, लेकिन ये सब बहने हैं वो सारे हिंदुस्तान से आती है, स्टार्ट फ्रॉम द आसाम टू साउथ. सब तरह की बहने हैं यहाँ, दे आर ऑल ब्रह्मचारी. उन्होंने सब घर वगैरह छोड़ दिया है इनका, अब उसको समझ दे सकते हैं सन्यासी है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस योगा वगैरह सब करते हैं. इसके अलावा ये एक एक्सपेरिमेंट स्टेशन है, जिसे समाज में सोशल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हमारे जीवन में तो अपने लाइफ में कैसे उसमें रास्ता निकालना, कैसे उसका हल करना, उसकी कोशिश भी यहाँ होती है. कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ करते हैं, मैं 5 मिनट में 2 बता दूंगा, फिर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. एक क्या है, दुनिया भर के सब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना. अमेरिका भी कहता है डेमोक्रेसी है, हम भी कहते हैं डेमोक्रेसी है, सब जब डेमोक्रेसी है, लेकिन अलग अलग तरह की है पर नाम डेमोक्रेसी लेते हैं. इस डेमोक्रेसी का जो मैथमेटिक्स है वो सबका एक समान है. क्या है मैथमेटिक्स, डेमोक्रेसी का मैथमेटिक्स है क्या, 51 इज इक्वल टू 100 एंड 49 इज इक्वल टू 0. समझ में आया आपके, दिस इज मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी. तो ये ठीक है क्या, इफ सम 51 बोलते हैं तो ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं. 49 यूजलेस, ऐसा नहीं चलता. तो हमको और जहाँ हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ इतनी विभिन्नताएं हैं, यहाँ इतनी माइनॉरिटीज है, पूरे यूरोप से की पॉपुलेशन से ज़्यादा तो हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज हो जाएगी, तो हम उनको बाजू में नहीं रख सकते. हमको सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा. ऐसा विचार करके एक एक्सपेरिमेंट यहाँ कहते हैं कि जो भी डिसीजन लेना है, यहाँ पर कोई भी मैनेजर नहीं, कोई भी सुपीरियर मदर पर फादर कुछ भी नहीं यहाँ पर, नो सेक्रेटरी नो प्रेसिडेंट नो ऑर्गेनाइजर नथिंग. यहाँ एवरी वीक सब लोग एक साथ बैठते हैं और वॉट एवर द प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने वहाँ डिस्कस करते हैं और यूनैनिमस रेजोल्यूशन लेते हैं. कंसेंसस से काम करना और यूनैनिमस सर्वसम्मति उसी से काम करना, ये यहाँ का कोई नेता नहीं. हाँ? कोई नेता नहीं, मुमकिन है कोई, सब एक समान. एवरी मंथ, हाँ एवरी मंथ
एक वन पर्सन वो आपको मीटिंग बुलाने का काम करता है, जस्ट इन्वाइट टुमारो इज मीटिंग एंड वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस फिनिश, वी हैव नो, उसको कोई अधिकार कुछ भी नहीं, और डिसीजन वहां मीटिंग में जो होगा वो। इसमें ये होता है कि एक स्मॉल डिसीजन लेने के लिए भी इट टेक्स मोर टाइम। अभी आपने कुछ पूछा, आई कैन नॉट गिव डिसीजन बिकॉज आई एम नॉट मैनेजर और एनीथिंग, यू हैव टू आस्क एवरीबडी हियर, एंड इफ वन पर्सन सेज नहीं ये ठीक नहीं है, वी स्टॉप्स, वी डोंट गो, वी ट्राई टू परस्यूड, वी वेट फॉर इट बट वी डोंट गो। ऐसा हमारा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ चलता है, एंड लास्ट 50 ईयर्स हमने कोई भी डिसीजन मेजॉरिटी से नहीं किया, ऑल विद कंसेंसस। इफ समबडी सेज आई डोंट एग्री बट आई डोंट अपोज, यू कैन ट्राई, तो भी चले, ऐसा है ये एक्सपीरियंस। दूसरा क्या है, हिंदुस्तान में गांव भी है, शहर भी है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी बहुत है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो बड़े बड़े सिटीज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बहुत लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत है, गवर्नमेंट उनका देख रही है, लेकिन जो छोटे गांव हैं या गांव का भी जो गरीब लोग हैं उसके तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। 60 साल के इंडिपेंडेंस के बाद भी आज मिलियंस ऑफ पीपल उनको पीने के लिए अच्छा पानी भी नहीं मिल रहा, और बेकारी भी है, और भी बहुत सी चीजें। तो ये अब जब से ये ग्लोबलाइजेशन के नाम से मार्केट इकोनॉमी आ गई है, तब से गरीब की हालत और खराब हो गई। इसलिए हम सबको कहते हैं गांव वालों को कि एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स ऑफ योर लाइफ, मूलभूत जरूरतें है आपके जीवन की, यू प्रोड्यूस इन योर विलेज, डोंट गो फॉर द मार्केट, और दैट कैन बी प्रोड्यूस इन विलेज। कपड़ा है, अनाज है, थोड़ा दूध वगैरह है, योर फ्यूल है, ये सब गांव में हो सकता है। तो हम दूसरे को कहते हैं, इसलिए हमने तय किया कि हमको भी वैसा करना चाहिए। वी शुड नॉट गिव ओनली थियोरीज, वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस इन अवर लाइफ। तो लास्ट 50 ईयर हम अपना कपड़ा हम बना लेते हैं, वी डोंट गो आउटसाइड फॉर द क्लॉथ। तो 50 ईयर्स के पहले इस कपड़े के जो मार्केट रेट था, स्वदेशी, नॉट ओनली स्वदेशी, होम मेड, नॉट ओनली स्वदेशी, खादी स्वदेशी, मेनी थिंग्स आर स्वदेशी, स्वदेशी, दिस इज मेड इन योर विलेज, दिस इज विलेज, गांव का वस्त्र है, गांव का वस्त्र है, ग्राम वस्त्र वी कॉल इट, बहुत अच्छा। तो क्या हो गया कि 50 ईयर्स बैक इसके जो कॉस्ट था, फ्रॉम 1 किलो ऑफ कॉटन जितना मीटर कपड़ा हमको मिलता था, टुडे ऑल्सो वी आर गेटिंग द सेम। मार्केट का मैं प्राइस कितना है, 50 ईयर्स बैक क्या प्राइस था, एंड व्हाट इज द प्राइस टुडे। सो द पुअर पीपल ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट सर्वाइव विद दिस मार्केट इकोनॉमी। हमारे यहाँ वी हैव काउज, तो हमारे यहाँ गोबर गैस है, बायोगैस पे, दैट टाइम इट वॉज 28 रुपीज सिलेंडर फॉर दिस पेट्रोलियम गैस, नाउ इट इज मोर देन 400 एंड गवर्नमेंट सेज वी आर गिविंग 200 सब्सिडी, सो इट इज मोर देन 600 रुपीज ए सिलेंडर। हमारे यहाँ जब शुरू हुआ था तब 28 रुपीज का जो जितना गोबर गैस मिलता था बायोगैस, टुडे इज द सेम, वी हैव नो प्रॉब्लम। और जितना काउडग हम अंदर डालते हैं उतना गैस आता है, टुडे ऑल्सो द सेम। वी वर्क फॉर 1 आवर इन किचन गार्डन एंड वी यूज टू गेट 1 किलो ऑफ वेजिटेबल, टुडे ऑल्सो 1 आवर वर्क वेजिटेबल, 1 किलो वेजिटेबल फिनिश, सो नो मनी इज इन बिटवीन। और ये फ्लक्चुएशन जो है, नो इन्फ्लेशन, नो प्रॉब्लम इन्फ्लेशन, एंड वेन द पीपल क्राइड फॉर दिस एंड वेन वी सी इन द न्यूज पेपर दैट द पेट्रोलियम गैस
this price is increasing, so people going for agitation and all that. We just see that. It doesn't touch us. So we try to tell the people, if you do like this, you will be also free of that. And we are only about 30 people here. So hum jyada cheez nahi kar sakte. This log. But in village, you have 2,000, 3,000, 4,000 people. You can do many things, many more things, which we cannot do. So aisa agar aap karenge, to aap ye market economy se, you will save yourself. Otherwise, nobody is going to save you. Neither government is going to come to your help. So this way we are taking the problems of the society and try to solve those things in our life, in our jeevan mein yahan kaise karna hai. So is tarah ka ye ek spiritual center bhi hai, isi tarah ka ek social laboratory type bhi hai. और उसके साथ साथ दुनिया में आज स्त्रियों की दशा, बहनों की जो हालत है, बहुत खराब हालत है. तो सब ये सारा संचालन यहाँ बहनें करती है, स्त्रियाँ करती है. इससे से कई तरह के विचार और काम इस आश्रम के पीछे में है. ये होता है जिस इन शॉर्ट.